आज हम आलू प्याज के अचारी फ्लेवर की सब्जी बनाएंगे, जो बनाने में जितनी आसान है खाने में उतनी ही लाजवाब। वेलकम बैक टू ससैम किचन मैजिक बाय मोनिका। बनाना शुरू कर लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए हमने सबसे पहले बेबी पोटैटो को अच्छी तरह से धोकर पील कर लिया है। प्याज को भी हमने छील लिया है और इन्हें बीच में से एक कट लगा दिया है, जिससे मसाले अंदर तक चले जाएं। कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर गरम कर लिया है और अब इसमें आलू डालकर हम फ्राई कर लेंगे। गैस हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। आलू फ्राई करते हुए बीच बीच में उन्हें चलाते रहें। आलू फ्राई हो गए हैं, करीब 5 से 6 मिनट मुझे लगे हैं इन्हें फ्राई करने में। आलू को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इन्हें दबाकर देख लीजिए। देखिए आलू अच्छी तरह से गल गए हैं। अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे और करीब 2 से 3 मिनट प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। प्याज बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है तो इसमें फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इन्हें थोड़ा बराबर चलाते हुए फ्राई करेंगे, चलाएंगे बिल्कुल हल्के हाथों से, जिससे कि प्याज फटे ना। प्याज अच्छी तरह से, ये देखिए हल्की गोल्डन ब्राउन होनी शुरू हो गई है। अब हम ये थोड़ा साइड में आलू प्याज को कर देंगे और इसके अंदर हम जीरा और कलौंजी दोनों को एक साथ डालकर फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमें सिर्फ आलू प्याज को अच्छी तरह से आप साइड कर देना और ये इसी के अंदर अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। देखिए जीरा और कलौंजी फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें आलू और प्याज के साथ मिक्स कर देंगे। साथ ही मैं इसके अंदर हरी मिर्च डालकर थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। इसे भी हम साइड में आलू प्याज को करके इसी ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। हरी मिर्च भी फ्राई हो गई है। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करके सब्जी के अंदर मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने थोड़े चिली फ्लेक्स लिए हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें ना डालें, लेकिन ये सब्जी में बहुत अच्छे लगते हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इससे सब्जी के अंदर रंग बहुत अच्छा आता है। ये स्पाइसी नहीं होता है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो थोड़ा सा नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर, सौंफ तरदरी कुटी हुई, थोड़ा अदकुटा धनिया, धनिया पाउडर, गरम मसाला और अमचूर पाउडर। अब ये सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारी सब्जी बनकर लगभग तैयार ही है। नमक डालकर एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए हम इस सब्जी को ढककर छोड़ देंगे। गैस की फ्लेम हम लो रखेंगे, जिससे मसाले सब्जी के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं।
2 मिनट हो गए हैं और ये गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है, लेकिन अभी हम पैन को ओपन नहीं करेंगे, इसे हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे खोलकर सब्जी को चेक करेंगे। करीब 2 मिनट हो गए हैं, अब हम अपनी सब्जी चेक कर लेंगे। ये सब्जी बनकर एकदम तैयार है, बहुत ही अच्छा रंग आया है और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। आप इस सब्जी को पूरी, पराठे, चपाती, चाहे जिसके साथ खाएं, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।